नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बता दें कि अयोध्या से अहम जानकारी आ रही है। एनकाउंटर में बदमाश नसीम ढेर हो चुका है। महिला सिपाही पर हमले का आरोपी था नसीम, जो कि मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। सरयू एक्सप्रेस में हुई थी वारदात और मुठभेड़ में दो बदमाश ढेर हो चुके हैं। तीन पुलिस वाले इस पूरे मुठभेड़ में घायल बताए जा रहे हैं। तो इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां एनकाउंटर हुआ, एनकाउंटर में नसीम ढेर हो चुका है। तीन पुलिसकर्मी है पूरे एनकाउंटर में, पूरे मुठभेड़ में घायल हो गए हैं। दो बदमाशों के मारे जाने की सूचना निकल के सामने आई। यह बता दें कि सरयू एक्सप्रेस का ये पूरा मामला है, जहां पे ट्रेवल कर रही थी महिला कांस्टेबल और उनकी हालत काफी गंभीर अवस्था में वो मिली थी। खून से लथपथ वो मिली थी, जिसके बाद से उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। कई सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर इतने ही देर में किसने इस वारदात को अंजाम दे दिया है। अब देखिए, नसीम की यहाँ पे मुठभेड़ में जान चली गई है। एनकाउंटर में नसीम ढेर हो चुका है। यह अहम जानकारी अयोध्या से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मुठभेड़ में दो बदमाश ढेर हो चुके हैं। तीन पुलिस वाले जो है घायल बताए जा रहे हैं इस पूरे मुठभेड़ में। तो महिला कांस्टेबल के घायल होने की जब सूचना मिली थी, तो तत्कालीन उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज लगातार उनका चल रहा था। अभी उनकी हालत स्थिर बनी हुई है और उसी के आरोपी नसीम था, जो कि मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। अभिनव आनंद सीधे अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, कब हुआ यह एनकाउंटर, क्या सूचना है आपके पास? जी बिल्कुल, बता दें कि सरयू एक्सप्रेस महिला मुख्य आरक्षी पर हुई हमले के मामला को लेकर एसटीएफ और अयोध्या पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान एनकाउंटर में अपराधी नसीम ढेर, उसके साथ साथ बता दें कि लगभग तीन पुलिसकर्मी जो चोटिल हुए घायल बताए जा रहे हैं, जिनको ट्रामा सेंटर लखनऊ में भर्ती कराया गया, जिनका इलाज चल रहा है। जी कहाँ पे ये मुठभेड़ हुई और क्या भागने की कोशिश कर रहा था नसीम? नसीम के साथ कौन कौन था, कितने लोग वहाँ पे मौजूद थे, कितने बदमाश थे? जी बिल्कुल बिल्कुल, बता दें कि ये जो पूरा मामला हुआ है, पूरा कलंदर के छतिरंगा पारा कैल मार्ग पर हुई मुठभेड़, जिसमें ये अयोध्या की जो यहाँ की लोकल पुलिस थी, वहाँ के जो रतन शर्मा जो थाना अध्यक्ष रहे, वो उनके साथ अन्य दो घायल भी इसी मामले में घायल भी हुए हैं। और बताते चले कि ये इतनी बड़ी सफलता, हालांकि लगभग 30 तारीख को जो महिला सिपाही थी उसके साथ जो दर्दनगी हुई थी, उसके साथ मारपीट हुआ, उसका जो मामला जो था वो बिल्कुल सामने आया हुआ है। और ये जो भी सफलता है, ये सब बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है। और थोड़ी ही देर में एसटीएफ प्रमुख अमिताभ यस इस मामले को जल्द ही अभी खुलासा करेंगे। जी तो उनकी तरफ से खुलासा होगा, लेकिन आप ये जानकारी दीजिए कि जो नसीम था, क्या वो मुख्य आरोपी था? जी बिल्कुल, बता दें नसीम के साथ एक और जो दोनों सीसीटीवी में जो दोनों लोग आए हैं नसीम के साथ, यही दोनों मुख्य आरोपी के रूप में माने जा रहे हैं। जी तो महिला के साथ वारदात क्यों की गई थी, क्या ऐसी घटना हुई थी जिसके बाद से महिला को इस तरीके से लहूलुहान कर दिया गया था, कोई जानकारी आप तक मिल पाई है क्या? बिल्कुल, इसकी जानकारी अभी फिलहाल नहीं मिल पाई है। इसका खुलासा भी एसटीएफ प्रमुख अमिताभ यस अभी इसका खुलासा भी कर, तब इसके जो भी वारदात जो भी घटना को अंजाम देने का जो भी मुख्य कारण रहा है वो सामने आ पाएगा। जी नसीम के साथ उस वारदात में कितने लोग और शामिल थे अभिनव? नसीम के साथ साथ दो और शामिल थे, जिन हालांकि दो भागने में सफल हो पाए हैं, और साथ ही साथ जो दो नसीम के साथ जो दो लगभग तीन लोग थे, दो एक भागने में सफल हो गया है, दो हालांकि मारे जा चुके हैं। जी तो जब ये पूरा एनकाउंटर हुआ, नसीम और उसका एक साथी ढेर हो चुका है, वहीं दो लोग फरार बताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, पुलिस का क्या कहना है, नाकाबंदी हो चुकी है क्या, ढूंढने की कोशिश की जा रही है? पूरे जी बिल्कुल, पुलिस रात में जब इसकी सूचना जब लोकल पुलिस अयोध्या की जो लोकल पुलिस है उसको जब सूचना मिली कि यहाँ जो घटना को अंजाम देने वाले जो मुख्य अपराधी हैं, हालांकि इसी क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो उसके लगभग नाकेबंदी शुरू होने के बाद इसकी खबर जब आरोपियों को लगी तो वो भागने के प्रयास किए, जब प्रयास में सफल नहीं हो पाए, और हालांकि इसी दौरान एसटीएफ की टीम और जो यहाँ की अयोध्या की लोकल पुलिस है उसमें एनकाउंटर के दौरान मुठभेड़ में मारे गए। इस पूरे मुठभेड़ में तीन पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं, उनकी हालत इस वक्त कैसी है? बिल्कुल नाजुक बताई जा रही है। बता दें कि एसओ जो पूरा कलंदर एसओ जो है रतन शर्मा और दो अन्य जो सिपाही घायल हैं, उनको ट्रामा सेंटर लखनऊ में भर्ती कराया जा चुका है, हालांकि वो फिलहाल खतरे से बाहर हैं। जी तो नसीम की सूचना कैसे पुलिस को मिली, कैसे पता चला कि नसीम वहां पे मौजूद है? हेलो, आवाज आ रही है अभिनव आपको? हेलो, फिर से क्वेश्चन कर लीजिए मैम। अभिनव आवाज आ रही है आपको?
जी जी बिल्कुल आ रही आ रही है। नसीम की सूचना पुलिस को कैसे मिली कि नसीम वहाँ पे इस वक्त मौजूद है? बिल्कुल बता दें कि जो यहाँ जो पुलिस के जो मुखबिर होते हैं, मुखबिर की सूचना पर ये इस कार्य को अंजाम दिया गया है। जी ठीक है विनम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए अयोध्या से इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे, जो कि नसीम मुख्य साजिशकर्ता था जिसने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया था। उसके साथ उसका साथी भी एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। दो और साथी ऐसे हैं जो कि भाग निकले हैं। पुलिस लगातार नाकाबंदी कर रही है, ढूंढने का प्रयास कर रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, पीएम मोदी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो चुका है, उच्च सदन राज्यसभा में सर्वसम्मति से पारित हुआ है, विकसित भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा, बिल लोकतंत्र के प्रति आमजन के विश्वास को मजबूत करेगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज उच्च सदन राज्यसभा में सर्वसम्मति से पारित हुआ है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, विकसित भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा, नारी सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना यह बिल लोकतंत्र के प्रति आमजन के विश्वास को और अधिक मजबूत करेगा। तो ये ट्वीट उनका निकल के सामने आया जैसे राज्यसभा में इस बिल पर वोटिंग हुई और ये बिल पारित हो चुका है, उसके बाद से ये ट्वीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। और इसके बाद से बता दें कि उन्होंने यहाँ पे हार्दिक बधाई भी तमाम नारियों को दी है। उन्होंने कहा है कि नारी सशक्तिकरण को सुनिश्चित करेगा ये बिल, लोकतंत्र के प्रति आमजन का विश्वास भी बढ़ाएगा। और फिरोजाबाद में पुलिस ने फर्जी दरोगा का आरोपी किया गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से नकली परिचय पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड समेत एक मोबाइल बरामद किया गया है। फर्जी दरोगा पर भोले भाले लोगों को अटकाकर पैसे ऐंठने का आरोप है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी दरोगा का बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार कर लिया। और दिल्ली के बवाना विधानसभा में आप विधायक की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। आरोप है कि आप पार्टी के विधायक जय भगवान उपकार ने सरेआम एमसीडी के अधिकारी की पिटाई की। इस घटना के वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दबंग विधायक के विरोध में सड़कों पर उतरकर एमसीडी कर्मचारियों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। कर्मचारियों ने विधायक के खिलाफ शाहबाद डेयरी थाने में शिकायत दर्ज की, साथ ही न्याय की गुहार लगाई। और सिरसा में हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख ओपी सिंह, आईपीएस अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन व कुमारी निकिता खट्टर आईपीएस के नेतृत्व में समूचे हरियाणा को नशा मुक्त कराने के लिए एवं नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यूनिट सिरसा एवं यूनिट फतेहाबाद की संयुक्त टीम ने सिरसा के जेजे कॉलोनी, वाल्मीकि चौक एवं सिविल अस्पताल के आसपास कई क्षेत्र में नशा तस्करों के घर दुकानों पर धावा बोला। इस तलाशी अभियान में उन घरों की तलाशी ली गई जो संदिग्ध नशा तस्कर है। जानकारी देते हुए हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यूनिट सिरसा के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार ने बताया कि सिरसा यूनिट और फतेहाबाद यूनिट के साथ नशे के हॉटस्पॉट इलाकों में बिना बताए रेड की गई और चिन्हित घरों की तलाशी ली गई। इस अभियान में उन घरों की तलाशी ली गई जिनके ऊपर पहले से ही एनटीपीएस के मुकदमे दर्ज है। इस सर्च अभियान में महिला पुलिसकर्मियों सहित 40 पुलिसकर्मी मौजूद रहे। और बीकानेर में चार महाविद्यालयों के एनसीसी कैडेट्स में गुरुवार को मतदाता जागरूकता और मतदाता प्रक्रिया में सहयोग का संकल्प लिया। राजकीय डुंगुर महाविद्यालय के मैदान में आयोजित कार्यक्रम में संभागीय आयुक्त उर्मिला राजौरिया, जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल और एनसीसी के 7 राज्य बटालियन के सीओ कर्नल जॉनी थॉमस सहित 500 से अधिक विद्यार्थी मौजूद रहे। इस मौके पर संभागीय आयुक्त ने कहा कि निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार मतदाता जागरूकता की विभिन्न गतिविधियां आयोजित हो रही है। इनका उद्देश्य अंतिम मतदाता तक पहुंचकर उसे मतदान के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा है कि एनसीसी एन
एसएस स्काउट गाइड जैसे संगठनों की इसमें महत्वपूर्ण होती है भूमिका, और इसे ध्यान में रखते हुए युवा इस दिशा में सकारात्मक पहल करें। और हरदोई के हरपालपुर में कटरा विलोही हाईवे पर एक दर्दनाक हादसे में एक सवार बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल मृतक वीरेश अपने साथी के साथ अपने गांव वापस जा रहा था, तभी अचानक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद ड्राइवर वाहन लेकर भाग निकला। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। और कैथल के फतेहपुर में पूजा नाम की महिला का पड़ोसियों ने किया जीना दुश्वार कर दिया है। पीड़ित महिला पूजा ने बताया कि उसकी सास देवर के बच्चों को छोड़ने आंगनबाड़ी जा रही थी, उसी सास के पास एक शकुंतला नाम की महिला आई और उन्हें अपशब्द बोलने लगी। जब उनके बात करते हुए पूजा ने देखा तो शकुंतला ने अपने साथ एक और साथी को बुला लिया। उसके साथी जितेश ने भी पूजा के साथ अपशब्दों का प्रयोग किया। ये सब देखते ही शकुंतला के साथी के पिता संजय धीमान भी तुरंत आ पहुंचे और पूजा के साथ बदतमीजी की और उनका हाथ पकड़ कर खींचा। इस खास सुनने में पूजा के कपड़े भी फट गए। पूजा ने बताया कि इसमें जितेश के चाचा भी शामिल है। जितेश के चाचा ने पूजा को जान से मारने की धमकी दी। वही मामले में पुलिस प्रशासन का कहना है कि जल्दी इस पर संबंधित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और जिला स्तरीय स्कूल विज्ञान मेले का शुभारंभ राजकीय मेजर जेम्स थॉमस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में किया गया। बता दें कि मेले में जिले भर के 350 स्कूल के बच्चों ने ऊर्जा, पर्यावरण, चंद्रयान और सौर ऊर्जा आदि विषय पर मॉडल प्रस्तुत किया। साथ ही प्रतियोगिताओं में विजेता प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को राज्य स्तरीय विज्ञान मेले में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। इस दौरान अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी सुनील बोडा ने कहा है कि विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए मेले का आयोजन किया गया है। झारखंड के रामगढ़ जिले में फर्जी अस्पतालों का बोलबाला, इलाज के नाम पे मरीजों से ही लूटपाट की जा रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ और सुचारू बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और हेमंत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बना गुप्ता का आए दिन स्वास्थ्य विभाग में बैठे पदाधिकारियों को चेतावनी भी दी जाती है कि किसी भी सूरत में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट और PCPNDT एक्ट के उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन इसके उलट रामगढ़ जिले की बात की जाए तो वहां स्वास्थ्य व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कुकुरमुत्ता की तरह अवैध नर्सिंग होम खोले गए हैं जहां ना तो कोई डॉक्टर है और ना ही कोई व्यवस्था है। और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के आह्वान पर गुरुवार को प्रदेश भर से करीब 2000 महिलाएं महिला आरक्षण बिल की कार्यवाही देखने के लिए संसद पहुंची। प्रदेश की मातृशक्ति का दिल्ली पहुंचने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर और प्रदेश के सभी सांसदों ने स्वागत किया। इन महिलाओं में समाज के सभी वर्गो व कार्यक्षेत्रों से शामिल रही। सिरसा में गुरुवार को किसानों मजदूरों ने मिलकर डबवाली रोड पर जाम लगाया। उनकी मांग है कि एक तो फसल की काट ज्यादा काटी जा रही है और दूसरी तरफ से कपास की बोली बंद की दी गई है। इस मौके पर हरियाणा किसान मंच के प्रधान बाबा गुरदीप सिंह झीड़ी और मजदूर भाई भी मौजूद थे और हरियाणा किसान मंच के सदस्य ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि आज जो हमारी मुख्य समस्या है, हमारे किसान भाइयों को कपास की फसल बेचने के लिए मंडी में आना पड़ता है जिसमें मंडी में बोली अच्छी तरीके से नहीं होती है। बोली करने के बाद फैक्ट्री में जाकर किसानों को फसल के कम दाम मिलते हैं।
बीते 6 दिन पूर्व रेवाड़ी जिला प्रशासन ने भाकियू चढ़ूनी से वादा किया था कि वो सरकार से मध्यस्थता करके 5 दिनों में ही बाजरे की एमएसपी पर सरकारी खरीद शुरू करवाने का प्रयास करेंगे, लेकिन सरकार की हट धर्मिता के कारण अभी तक रेवाड़ी में बाजरे की सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई है, जिसे लेकर गुरुवार को भाकियू चढ़ूनी ने 1 दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल की है और अगर अभी भी सरकार नहीं चेती तो ये जल्द ही मंडी गेट पर ही आमदन अनशन पर बैठेंगे, क्योंकि इस सरकार में इनके सुनने वाला कोई नहीं है। और आगरा के फतेहपुर सिकरी शाही स्मारक में बड़ा हादसा हुआ है, जहां विदेशी महिला रेलिंग से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। बता दें कि पर्यटक महिला फ्रांस से भारत घूमने आई थी। कोविड के समय लगवाई गई लकड़ी की रेलिंग के टूटने से 9 फीट की ऊंचाई से महिला गिरी है। सूचना के बाद करीब 1 घंटे बाद एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, जिससे महिला की हालत गंभीर हो गई, जिसके बाद इलाज के दौरान आगरा के रैम्बो हॉस्पिटल पर्यटक महिला में मौत हो गई। और हमीरपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अवैध असलहा फैक्ट्री का खुलासा किया है, जहां से पुलिस ने 15 अवैध असलहा, 6 कारतूस मौके से बरामद किया है, जिसके साथ पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी ने टीम के साथ छापा मारा। और अमृतसर पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव द्वारा पंजाब भर में गैंगस्टरों के खिलाफ छापेमारी कर रहे एसपीडी ग्रामीण युवराज सिंह के नेतृत्व में जांडियाला गुरु पुलिस स्टेशन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने कहा कि हमने अपने वांछित लोगों को पकड़ने के लिए एक एंटी गैंगस्टर अभियान शुरू किया है, जिसके तहत हमारे अमृतसर ग्रामीण कॉल लिस्ट पर डीआईजी बॉर्डर रेंज नरिंदर भार्गव और एसएसपी ने छापा मारा। और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जुन्नार देव क्षेत्र में एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक महिला अपने बीमार पति को ठीलिया में लिटाकर अस्पताल ले जाते हुए नजर आई। सरकार और प्रशासन चाहे लाख दावे कर ले या अपनी पीठ थपथपाए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। आज भी प्रदेश में गरीब वर्ग स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दर दर भटक रहा है। हम बात कर रहे हैं जिले के जुन्नार देवनगर की, जहां वास्तविकता को झकझोर करने वाली तस्वीर सामने आई है। और बड़े औद्योगिक क्षेत्र के फेज 2 में स्थित पारमा टेक्सटाइल फैक्ट्री के 2 हिस्सों में आग लग गई है। आग पहले फैक्ट्री के गत्ता के सामने पैकिंग करने वाले हिस्से में लगी, उसके बाद सिंथेटिक वो नायलॉन के धागे से एडहेसिव टेप बनाने वाले दूसरी फैक्ट्री में पहुंच गई। धुएं के गुब्बार आसमान में छा गए। सूचना के बाद अग्निशमन विभाग की टीम 26 गाड़ियों की मदद से एक हिस्से के आग पर काबू पा लिया है, मगर अभी भी दूसरे हिस्से में आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। और वैर विधानसभा इलाके में सड़कों और आम रास्तों की स्थिति बदहाल होने के कारण आमजन को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। वैर विधानसभा में सड़कें टूटी पड़ी होने के साथ कई गांवों में सड़कों पर जलभराव हुआ है। गांव पथैना निवासी सेवानिवृत्त मेजर सूबेदार हरभजन सिंह धोबी ने बताया कि वैर विधानसभा अंचल में 1 दर्जन से अधिक सड़कें बदहाल और जलभराव युक्त हो चुकी है। ऐसे हाल में लोगों और वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आए दिन दोपहिया वाहन चालक जलभराव वाले रास्तों से फिसलते रहते हैं और दुर्घटना का शिकार होते रहते हैं। बदहाल सड़कों और जलभराव वाले रास्तों से गुजरने वाले व्यक्ति या वाहन चालकों जनप्रतिनिधियों को बुरा भला कहते नजर आते हैं। दिवाली से भूसावर कमालपुरा, अलीपुर से अलीपुर मोड़, सुआ की जसबर सुहारी, कलसाड़ा से मायदपुर, झालटाला से सिंगरावली, खदराया मोड़ से खदराया आदि सड़कें बदहाल है।
और हमीरपुर में नदी उफान पर है, जिसके कारण स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल पार करने को मजबूर है। एक नाव में क्षमता से अधिक छात्र छात्राएं बैठकर नदी पार करते हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री और राज्यसभा सांसद ने वीरवार को संसद के विशेष सत्र के चौथे दिन राज्यसभा में हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने महिला आरक्षण बिल पर चर्चा करते हुए संसद में हरियाणा में हो रहे महिलाओं पर अत्याचार की आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि जहां जूनियर महिला कोच और महिलाएं पहलवानों पर की गई ज्यादती किसी से छिपी नहीं है, वहीं डेढ़ महीने से आशा वर्कर सड़कों पर संघर्ष कर रही है, जिसमें पुलिस के धक्का मुक्की में एक आशा वर्कर की जान भी जा चुकी है। और महाराजगंज जिले में कुछ बालू तस्करों ने जमकर मारपीट की है। मामला घुघली थाना क्षेत्र के घुघली नगर के सुभाष चौक का है, जहां बालू तस्कर की सूचना अधिकारियों को देने की खबर मिलते ही गुरुवार को बालू तस्करों के दो गुटों में जमकर मारपीट हुई है। इसके बाद चौराहे पर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। और जौनपुर पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि घोसी में हुई हार के कारणों की हमने समीक्षा कर ली है। हम योगी जी और मोदी जी के जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। 2024 में फिर केंद्र में भाजपा की सरकार बन रही है। उन्होंने महिला आरक्षण बिल पास होने पर मोदी जी के प्रति आभार भी व्यक्त किया। और हमीरपुर दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा हुई है। आरोपी ने 7 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के 6 साल बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला। घटना थाना कुरारा के एक गांव में हुई थी। तो 20 साल की सजा हो चुकी है, 6 साल बाद न्याय मिला है। नाबालिग से रेप का ये पूरा मामला है हमीरपुर में, जहां 6 साल बाद आखिरकार न्याय मिल चुका है, लेकिन 6 साल की देरी भी हुई है और 20 साल की सजा जो है आरोपी को मिल चुकी है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।